हाँ जी सो नाउ आर टॉपिक इज वॉट इज एन आयन अब क्या होता है इट इज एन इलेक्ट्रिकली चार्ज एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स जब कोई एटम इलेक्ट्रिकली चार्ज होता है तो हम उसको आयन बोलते हैं इट इज फॉर्म बाय लॉस और गेन ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स बाय एन एटम अब एक एटम जब इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है या लूज करता है तो यहाँ पे ये आय फॉर्म होते हैं अब आप सोच रहे हो पता नहीं क्या क्या बोले जा रही है मैम सो so, यहाँ पे इसको समझ है तो छोटा सा टॉपिक बट मैं चाहूंगी कि आप इसको अच्छे से समझ सको ताकि आगे की चीजें भी इजिली समझ सको यहाँ पे एक वर्ड आया है इलेक्ट्रॉन ठीक है अब ये इलेक्ट्रॉन्स क्या है देखो जब भी हम एक एटम की बात करते हैं अब यहाँ पे अगर हम मैं कहूं आपको ऑक्सीजन एक एटम है मतलब ऑक्सीजन एक एलिमेंट है उसका एटम है ठीक है सिमिलरली ऑक्सीजन ले लेते हैं गोल्ड ले लिया ये भी एक एलिमेंट है इसका भी एटम है ठीक है जी ऑक्सीजन ऑक्सीजन हो 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 गया gold हो गया carbon हो गया गोल्ड गोल्ड कार्बन मतलब पे चलो oxygen और gold को कंपेयर करते हैं ये दोनों एटम्स है क्या ये दोनों सेम है नहीं काफी अलग है ये ऑक्सीजन और गोल्ड को आप कंपेयर कैसे कर सकते गोल्ड बिल्कुल ही अलग चीज हो गया ऑक्सीजन बिल्कुल ही अलग चीज हो गया मतलब क्या डिफरेंस है इनकी जो प्रॉपर्टीज है वो बहुत ज्यादा डिफरेंट है अब आपस में आइटम्स जैसे सिर्फ दो को कंपेयर किया ऐसे बहुत सारे हैं सो सभी एटम्स आपस में कुछ डिफरेंट है अब वो डिफरेंस क्या आता है डिफरेंस आता है ये आइटम्स बने कैसे हैं एटम्स बन रहे हैं प्रोटोन्सि साइड डरना मत इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स ये तीन चीजें हम कहते हैं कंबाइन होके एटम बना रही है अब ये प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स ये कुछ अलग सी चीज नहीं है चार्जेस। चार्जेस मतलब कोई पॉजिटिव चार्ज जैसे नेगेटिव चार्ज होता है वैसे अब प्रोटॉन्स है दीज आर पॉजिटिव चार्ज ठीक है पी से प्रोटोन पी से पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स जो है इलेक्ट्रॉन्स जो है दे आर नेगेटिव चार्ज और न्यूट्रॉन्स सिंपल पता चल रहा है न्यूट्रल है ठीक है जी तो प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स इससे कंबाइन होके बन रहे हैं एटम्स अब जैसे कि एक अगर मैं एटम की बात करूं तो उसके अंदर इस तरह से ये मान लो ये इसके प्रोटॉन्स है एंड मतलब पॉजिटिव चार्जेस है एंड इसके आसपास ये जो मैंने एक सर्कल बना दिया यहाँ पे रिवॉल्व करती है इलेक्ट्रॉन्स इसके आसपास घूमते हैं ठीक है अभी बहुत बेसिक इसमें भी बहुत बहुत बेसिक इसमें घुसते जाएंगे हम धीरे धीरे सो so, ये जी आसपास इसके ये जो है ये ऐसे 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 करके इसके आसपास घूमता रहता है और अंदर प्रोटॉन्स है किसी भी एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम होते हैं जैसे अगर सिक्स प्रोटॉन्स है तो सिक्स ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे अभी जो सिक्स नंबर है या अगर एक सिंपल सा करते हैं एक प्रोटोन और एक इलेक्ट्रॉन है सो दैट मीनस अब जैसे नंबर वन है मतलब कि एक एटम है जिसके अंदर प्रोटोन भी एक है इलेक्ट्रॉन भी एक है तो जिस भी एलिमेंट का वो होगा उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर भी यही होगा मैं यहाँ पे आपको आगे एक बार फटाफट से लेके जाके ये बताना चाहूंगी एक पीरियडिक टेबल होता है केमिस्ट्री में जो आपने पहले भी देखा होगा इस तरह का पूरा टेबल है यहां पे देखो ये है हाइड्रोजन वन लिखा है ना मतलब इसका एटॉमिक नंबर वन एटॉमिक नंबर टू लिथियम थ्री एटॉमिक नंबर थ्री है ये इस तरह से चलता है थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन एथ नाइन टेंथ इलेवन ऑन इस तरह से चलता है जो, जो, जिसका भी जो भी यहां पे एटॉमिक नंबर है जैसे कि ये ले लिया हमने पोटेशियम ले लिया पोटेशियम लिखा है 19 है मतलब नाइनटीन का मतलब क्या हुआ कि पोटेशियम के अंदर नाइनटीन प्रोटोन होंगे और नाइनटीन ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे मतलब नाइनटीन पॉजिटिवली चार्ज और नाइनटीन नेगेटिवली चार्ज होंगे ठीक है जी आप वापस आ जाते हैं यहाँ पे हाँ जी अब प्रोटोन समझ आ गया इलेक्ट्रॉन समझ आ गए अभी न्यूट्रॉन क्या है ये क्या करता है देखो यहाँ पे अगर मैं इसी स्ट्रक्चर की बात करूं तो ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है तो, तो आपस में लड़मर के खत्म हो जाएंगे So, ये जो न्यूट्रॉन है ये जाके इस प्रोटॉन के साथ मिक्स हो जाते हैं और यहां पे मिलने के बाद वो बेक्शोर करते हैं एक फोर्स बन के रहते हैं जिससे कि ये अलग ना हो पाए तो न्यूट्रॉन जाके हमारे प्रोटॉन से मिलके फोर्स बना लेते हैं जिससे इलेक्ट्रॉन्स उसके आसपास रिवॉल्व तो करते रहे लेकिन ये आपस में प्रोटोन इलेक्ट्रॉन जाके खत्म ना हो जाए ठीक है अगर समझ आ गया तो वेल एंड गुड अगर कंफ्यूजन भी है सो डोंट वरी आगे पूरा चैप्टर है हमारा उसमें हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे बट अभी के लिए बस ये जानना था कि हाँ ये इलेक्ट्रॉन क्या चीज है अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि गेन करते हैं लूज करते हैं अब इलेक्ट्रॉन्स क्यों गेन करते हैं क्यों लूज करते हैं ये हम समझेंगे जब हम अभी नेक्स्ट टॉपिक अपना करेंगे वैलेंसी अभी के लिए हमें ये समझ आ गया कि ये जो एटम्स हैं ये इलेक्ट्रॉन्स गेन भी करते हैं और इलेक्ट्रॉन्स लूज भी करते कैसे क्यों सब वैलेंसी में पड़ेंगे अभी क्योंकि हम आइंस की बात करें तो ये देखते हैं आय दो टाइप के होते हैं एक हमारा होता है और एक होता है एनाइंस अबाइंस में क्या होता है इट इज पॉजिटिवली चार्ज आयन एंड इज फॉर्म बाई लॉस ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम अगर कोई भी एटम तो so यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया है Na का मतलब सोडियम का एग्जाम्पल लिया है तो जब यहाँ पे ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा जब ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा अब ये कंफ्यूजन भी है कि क्या मैम लूज करेगा तो पॉजिटिव होगा गेन करेगा तो नेगेटिव होगा उल्टा सीधा क्यों हो रहा है सिंपल सा यहाँ पे देखो है सिंपल सा हमारा सोडियम है इसमें हमने कुछ नहीं किया हम कह रहे हैं इस सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया इलेक्ट्रॉन तो पता है ना प्रोटॉन जैसे पी प्लस है इलेक्ट्रॉन ई माइनस है है ना सो so, एने हमारा उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया माइनस माइनस प्लस हो गया सिंपल मैम तो मैथ्स की टीचर है तो ये तो मैथ्स तो जरूर बीच में डालेंगी है ना तो ये हो गया एने प्लस इसका मतलब कि जब भी कोई भी एटम अगर इलेक्ट्रॉन एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो वो पॉजिटिवली चार्ज आयन बन जाएगा ठीक है अभी वे करेंगे तो आयंस भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा ना एग्जाम्पल ले लेते हैं सोडियम एटम का ले रहे इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म सो, सोडियम एन ए मतलब हमारा सोडियम जब एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो वो एन प्लस बन जाता है मतलब सोडियम सोडियम आयन बन जाता है ठीक है इसी तरह से ये तो हो गया कैट आयन अब हम बात करेंगे एनआईन की उसका ऑपोजिट है इट इज अ Negatively charge, ये आयन negatively होता है and form, अभी कैसे form होगा? और मोर इलेक्ट्रॉन अगर ये एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो ये नेगेटिवली चार्ज आयन बन जाएगा सो फॉर एग्जाम्पल क्लोरिन एटम गेन्स वन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म अ क्लोराइड आयन सो so, क्लोरीन हमारा होता है वो अगर एक एटम को गेन करता है तो वो बन जाएगा क्लोराइड आयन ठीक है सेम अब देखो ये था जी हमारा क्लोरीन सिंपल सा ना कोई प्लस ना कोई माइनस प्लस माइनस सिर्फ आइन्स में आएगा तो सिंपल सा हमारा क्लोरीन था अब हम कह रहे हैं इसने एक एटम को सॉरी एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया है सो so, प्लस माइनस माइनस, so मेरा हो गया Cl माइनस विच इज क्लोराइड है, समझ में आ गई ये चीज अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी दिमाग में आ जाएगा कि हमें क्या पता मैम एन ए जो है वो लूज ही करेगा और सी एल हमेशा गेन ही करेगा So, कौन सा एटम लूज करेगा इलेक्ट्रॉन्स को कौन सा एटम गेन करेगा इलेक्ट्रॉन्स को अगेन वैलेंसी बेसिकली समझ लो आयंस को अच्छे से समझने के लिए जो मैंने अभी अभी मैं आगे जाके वैलेंसी पढ़ाने वाली ना वो अच्छे से समझ लेना पूरा आपस में इंटर रिलेटेड आपको आयंस अच्छे से क्लियर हो जाएगा ठीक है वैलेंसी छोटा टॉपिक है लेकिन मैं उसको थोड़ा सा स्प्रेड करके पढ़ाऊंगी ताकि नेक्स्ट चैप्टर में भी आपको हेल्प होगी और इस चैप्टर में भी वैलेंसी अच्छे से क्लियर हो जाए ठीक है अभी के लिए इतना समझना है और यहाँ पे लिखा तो है आय में सिंगल चार्ज एटम ग्रुप ऑफ एट है, या भी हो सकते है? के है। अभी के लिए आगे बढ़ते हैं ये हमारा टॉपिक आइन्स का समझ लो खत्म हो गया वैलेंसी का मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी लेकिन इसको अच्छे से समझना सिर्फ आइन समझ के मत जाना क्योंकि वैलेंसी से आपके आइन्स भी अच्छे से क्लियर हो जाएंगे नेक्स्ट टॉपिक है हमारा well let's get to the next video